गाइस, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, मैं आज अपने घर पे ही हूँ और आज हमारा कुछ प्लान है कहीं जाने का, मेरा मतलब प्लान है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना व्लॉग बना लिया जाए। तो मैं भी अपने घर पे ही हूँ। तो अभी बज रहे हैं, अभी टाइम हो रहा है, क्या टाइम हो रहा है अभी, मतलब 10 बजने वाले हैं और मैं घर पे अकेली हूँ। मेरी जो बहनें हैं सब चली गई है कोचिंग क्लासेस और मेरा कल लास्ट एग्ज़ाम है, तो पढ़ाई वढ़ाई मैंने कर ली है। वैसे ही पढ़ाई वढ़ाई ज़्यादा करती नहीं हूँ मैं, मतलब जो मुझे पढ़ना था वो मैंने पढ़ लिया, ज़्यादा नहीं पढ़ाई करती मैं, इसीलिए अभी मैं टाइम पास कर रही हूँ। तो अभी मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ अपने लिए, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या नाश्ता बनाती हूँ अपने लिए। तो गाइज, मैं जा रही हूँ मैगी बनाने के लिए। तो देखिए, मैंने इसे कुछ काट के रख लिया है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए मैगी, टमाटर, प्याज, बस इतना ही चीज़। मैं बिरयानी बनाने को मैं आपको दिखाती हूँ कुछ। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूँ, ज़िंदगी में मैंने ज़्यादा कुछ बनाया है अगर सबसे ज़्यादा, तो वो है मैगी और पास्ता। और मुझे लगता है यही मुझे परफेक्ट बनाने आता है और कुछ भी नहीं आता, बहुत बनाई। मेरा भाई जो है अक्रम, वो तो रोज़ ही मैगी खाता है, पता नहीं क्या इतना मैगी खाता है, क्या पसंद है इतना। मुझे पसंद नहीं है, मतलब पसंद तो है पर मैं ज़्यादा नहीं खाती। तो आज मैंने सोचा कि मैं खा लेती हूँ, दो पैकेट रखा हुआ था इसीलिए। तो ये है मेरा छोटा, हम लोग का छोटा सा किचन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है किचन। ये मैंने प्याज डाल दिया है, ये मेरे जो प्याज हैं वो फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ, थोड़ी से फ्राई करती हूँ ज़्यादा ना, ब्लॉक कम रेसिपी ज़्यादा लग रहा है मैगी रेसिपी। और थोड़े मसालेदार बनाती हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा तीखा बनाती हूँ, तो मैं ज़्यादा इसे मिक्स डालूँगी। तीखा पसंद है, मैं मैगी बनाती हूँ, मेरी अम्मी नहीं खाती है क्योंकि उनको बहुत ही ज़्यादा तीखा लगता है। मैं तेरी अम्मी नहीं खाती, मैं ज़बरदस्ती खिलाती हूँ, थोड़ा खा लीजिए, थोड़ी सी थोड़ी सी हल्दी भी देती हूँ, बस इतना ही और ज़्यादा कुछ इतना ही देना। अब अच्छे से मैं मिक्स करूँगी, ब्लॉग नहीं बनाती क्योंकि ना बहुत ही ज़्यादा बाहर से आवाज़ आती है। जैसे कि अभी मेरे बड़े वालों का घर काम चल रहा है, तो उधर मिस्त्री वगैरह जो है वो उधर आवाज़ आ रही है, और गांव में तो पता ही, आप लोगों को पता ही होगा अगर गांव के हैं आप, तो हमेशा हल्ला मचा रहता है, शहर में होता है। ये देखिए गाइस, जो हमारा मसाला है वो रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें मैगी डालूंगी, थोड़ा सा पानी डालूंगी। तो मैं इसमें डाल रही हूँ, तो मैं आप लोगों को बता ही देती हूँ कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ। तो मैं जाने वाली हूँ अपने नानी के घर, बहुत दिन से नानी के घर नहीं गए हैं, मतलब नानी के घर हम लोग हर महीना जाते हैं, दो दिन बाद तो जाते ही हैं क्योंकि बगल में है तो अच्छे से फायदा उठाते हैं। ये अब मैगी बन के रेडी होगी 10 मिनट में, वो तो कहने की बात है कि मैगी 2 मिनट में बन जाती है, लेकिन 2 मिनट पे कभी नहीं बनती है, फेक बात है, ये फेक बात की मैगी 2 मिनट में बनती है। अरे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा मैगी बनने का। लेकिन सही में मैंने बहुत ज़बरदस्त मैगी बनाती हूँ, बहुत टेस्टी होता है मेरे हाथों से मैगी, मुझे लगता है। ये देखिए मेरी मैगी की शक्ल, मतलब अच्छी लग रही है, रेड रेड, खाने में भी टेस्टी होगी, लेकिन अभी तैयार नहीं हुई तो मुझे वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो मैं वेट करती हूँ, फिर मिलते हैं हम लोग थोड़ी देर बाद। पेट पता है गाइस, मेन रीज़न क्या है मेरा घर पे ब्लॉग नहीं बनाने का, क्योंकि हमारे अभी मतलब बड़े अब्बा का घर का जो काम चल रहा है, तो हमेशा आवाज़ आती रहती है, और गांव में तो पता ही आप लोगों को, अगर गांव के हैं आप लोग तो पता ही होगा आप लोगों को कि आवाज़ आती रहती है बच्चों की, चिल्लाने की, गाय की, मुर्गियों की, सब की, शहरों भी आती है, लेकिन जो गाँव की जो आवाज़ होती है ना, जो वाइब होती है वो थोड़ी अलग होती है, तो इसीलिए मैं नहीं बनाती हूँ ब्लॉग, मेरी आवाज़ आती ही नहीं है, इनकी आवाज़ आती है सिर्फ। मैगी, मेरी मैगी रेडी हो चुकी है, ये देखिए मेरी मैगी हो चुकी है रेडी। मुझे ना सूखी मैगी नहीं पसंद है, मुझे गीली मैगी पसंद है, जो थोड़ा पानी पानी सूख टाइप का होता है, तो मुझे वो ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं ऐसे ही रखती हूँ और मैं इसको नहीं खाऊंगी ज़्यादा। बस रेडी हो चुकी है, अब मैं इसको बॉयल में निकालूंगी, अब ये मुझसे उठेगी नहीं जल्दी से, अब इसको उठाने में 5 मिनट तो लग ही जाएगा। तो ये देखिए मेरी मैगी बन के रेडी हो चुकी है, अब मैं जा रही हूँ फ्रिज में, देखती हूँ कुछ है
ओ फ्रिज में एक है टोमेटो केचप पड़ा हुआ एक पाउच पैकेट, तो मैं इसमें इसको मैगी में मिला के खाऊंगी। अच्छा लगता है मुझे, बहुत अच्छा लगता है केचप, टोमेटो केचप। तो गाइज मैगी तो बन के रेडी हो चुकी है और अभी मैं जा रही हूँ खाने के लिए, तो मैं आप लोगों से खाने के बाद ही मिलती हूँ क्योंकि मैं खाते हुए तो नहीं दिखा सकती, तो थोड़ा रुक जाइए। हाँ तो गाइज मेरा नाश्ता हो चुका है, अब मैं जा रही हूँ नहाने क्योंकि नहाना पड़ेगा, तो अभी मैं नहाने जा रही हूँ, तो फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से नहाने के बाद। हाँ तो गाइज मैं रेडी हो चुकी हूँ, देखिए कुछ खास नहीं, बस थोड़ा बहुत अब हम लोग जा रहे हैं, पैदल ही जाना पड़ेगा क्योंकि मेरा भाई सब नहीं है, तो इसीलिए पैदल ही जाना पड़ेगा। ज़्यादा दूर नहीं है जाने का घर, ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक अच्छा खासा दूर है फिर भी, लेकिन पैदल ही जाना पड़ेगा, क्या करेंगे, मजबूरी है, तो फिर चलते हैं हम लोग। तो ये देखिए गाइज हम लोग खेतों के बीच से होते हुए जा रहे हैं, पूरा देखिए डरावना लग रहा है, काफ़ी डरावना लग रहा है, इधर पूरा मकई का खेत है। रोड भी है लेकिन थोड़ा सा रोड से जाने से मतलब थोड़ा दूर पड़ता है, इसलिए हम लोग खेतों की तरफ से ही जा रहे हैं। ये देखिए है, बहुत दिन बाद पैदल जा रही हूँ क्योंकि मेरे भाई लोग कोई भी नहीं है घर पे, इसीलिए बाइक चलाने वाला कोई नहीं है, मुझे तो आता नहीं है, अगर आएगा भी तो मुझे चलाने देंगे नहीं, स्कूटी चलाने आती है मुझे पर बाइक नहीं चलाती हूँ, सीखना पड़ेगा, अम्मी बोल रही है चलवा सीख लो तनते नहीं गलो तन। थक गई मैं तो, पहले हम लोग मतलब हमेशा हम लोग पैदल ही आना जाना करते थे, हम लोग का स्कूल भी मेरे नानी के गांव में ही है, तो स्कूल भी हम पैदल ही आना जाना करते थे, अभी तो नहीं चला जाता है और ज़्यादा, पहले चल लेते थे। ये देखिए गाइस कितना डरावना लग रहा है, दोनों तरफ से खेत है, देखिए चारों तरफ से खेत है, या अल्लाह। है ये देखिए मक्का भी हो गया है, इसको तोड़े क्या, नहीं नहीं तोड़ेंगे, गलत बात, चोरी करना बुरी बात है। ठीक है गाइस फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से नाने के घर पहुँच के ही, हाथ दर्द हो गया मेरा। हाँ तो गाइस आ चुकी हूँ मैं नानी के घर और पैर में बहुत दर्द हो रहा है, तो अभी नानी के घर अभी हम लोग रहेंगे बहुत देर तक, मेरी अम्मी को जाना है मार्केट नानी के साथ, पता नहीं नानी को कुछ लेना था इसलिए, तो हम लोग रहेंगे, मेरी मामा की बेटी भी है आई हुई, मुझे नहीं पता था कि वो यहाँ है, वो आई है, मज़ा आएगा, मस्ती करेंगे हम लोग को, तो आप लोगों को भी मैं दिखाती हूँ। तो अभी मैं कुछ खाने जा रही हूँ नाश्ता वगैरह, मिलती हूँ थोड़ी देर बाद आप लोगों से। तो गाइज मैं नानी के घर हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा बोर हो रही हूँ, मेरा दिल नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, खाना वाना भी खा चुकी हूँ, मन नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, पता नहीं अब क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी मामा की जो बेटी थी उसका एग्ज़ाम चल रहा है स्कूल में, तो वो एग्ज़ाम देने चली गई है, अकेली हो गई हूँ मैं, मन नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। और इस बच्चे को देखिए खाना अजीब पागल बच्चा है, इसको वीडियो बनने से रो रहा है, क्या ही बोले, हिला हुआ है, ठीक से एक कार्टून है यार, क्या बताऊँ मैं। और भी एक कार्टून है, उसको छोड़िए मैं क्या ही दिखाऊँ उसको आप लोगों को। तो अभी हम लोग छत पे चलेंगे और फिर थोड़ा सा फ़ोटो शूट करेंगे, खुशबू करेगी फ़ोटो शूट, क्योंकि मेरा जो बैक जो कैमरा है वो बहुत अच्छा है, सब मतलब आप लोगों ने देखा ही होगा, वो मतलब जो जितने फ़ोटोज़ मैं अपलोड करती हूँ इंस्टा पे वो मेरे ही फ़ोन का खिंचा हुआ है सारा, मेरा फ़ोन इतना अच्छा तो नहीं है लेकिन कैमरा अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, पोर्ट्रेट से फ़ोटो बहुत अच्छी आती है। तो अभी हम लोग जाएंगे छत पर फ़ोटो लेंगे। तो गाइज़ ये देखिए मेरी प्यारी खुशबू बहन आ गई है एग्जाम देके,
एग्ज़ाम देके आ गई है, बोल रही है कि इसका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है। चलो बहुत अच्छी बात है, रिजल्ट ही बताएगा कितना अच्छा गया है। इंग्लिश का अच्छा गया है, उर्दू में मेरे को नहीं पता, मेरा 50 में से 30-35 आ जाएगा। ओहो ठीक है, 50 है मेरा। हाँ तो खैर हटाइए इसको पढ़ाई लिखाई को। तो अभी ये नहाएगी, फिर खाना खाएगी, फिर हम लोग छत के ऊपर चलेंगे फोटो खिंचाने करेंगे। ठीक है, तो आप लोग मेरे ब्लॉग में एंड तक बने रहिए, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो गाइज हम लोग छत पे आ चुके हैं, अब फोटो शूट करेंगे। पहले मैं इसका करूँगी, फिर ये मेरा करेगी। हाय ब्लॉगर, मतलब हाय इसको देखिए अनस को। आओ अनस आओ। अभी मूड नहीं। ओ हम लोगों को बुला, अभी इसका मूड नहीं है, हम इसे कोई बात नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, हम तो बस ऐसे ही तुम्हें कह रहे थे। ठीक है फिर, आप मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से नीचे का व्यू। देखिए यहाँ से मतलब रोड पूरा दिखता है, रोड के बगल में एक घर है नानी का। देखिए पूरा चारों तरफ हरा भरा, हरियाली ही हरियाली है। ये देखिए पूरा कचरा पट्टी आ चुका है इधर, मतलब इसको देखिए हलीना गिर जाओगी। तो गाइज हम लोग का फोटो शूट भी हो चुका है, अब हम नीचे जा रहे हैं, अब हम नीचे जा रहे हैं गाइस। देखिए हमारे घर में ऐसे लगा हुआ है गद्दा, हम यहाँ लगाते हैं, ऐसे सोते हैं। ये खड़े होके सोते हैं, खड़े होके सोते हैं। नहीं नहीं वो गद्दा मतलब वेस्ट है, अभी उसमें कोई नहीं सोता है, अभी इसको वहाँ रखे हैं बस ऐसे ही। अम्मी और नानी मार्केट गई थी, तो वहाँ से हमारे लिए नूडल्स लेके आई हैं मार्केट से, काफ़ी टेस्टी था, बहुत ही टेस्टी था, बहुत सारा लेके आ गई थी, हम लोग खा ही नहीं पा रहे थे। ये देखिए खुशबू को ठूस ठूस के खा रही है, मतलब रुकने का नाम ही नहीं ले रही है यार। हमारे लिए भी रहने दो खुशबू। मोटी हूँ मैं, कहाँ से मोटी लगती हूँ भाई तुमको। तो गाइस हम लोग, मैं जा रही हूँ घर, और ये देखिए मेरा स्कूल है, अभी हम जा रहे हैं, और हम मुझे स्कूल की याद आ गई स्कूल देख के। अभी हम लोग रोड से जा रहे हैं, बाद से खेत की तरफ से नहीं जा रहे हैं, क्योंकि रात होने वाली है तो डर लग रहा है इसीलिए। हाँ तो गाइस मैं अपना व्लॉग यहीं एंड करती हूँ, आप लोग बताइए कि आपको मेरे व्लॉग कैसा लगा, और प्लीज़ अगर मेरे मतलब मुझसे कोई भी गलती हो जाती है तो बताइए कि कहाँ गलती होती, ताकि मैं सुधार सकूँ वो गलती। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुँचे जल्द से जल्द। और ठीक है फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।